फरदेबा समेत पूरे हरियाणा में तेजी से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मामलों ने सरकार और जिला प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। ऐसे में फरदेबाद के डीसी ने भी निजी और सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स के साथ बैठक की, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने सिविल सर्जन से खास बातचीत की है। सुने, पूरे हरियाणा सहित फरीदाबाद में भी लगातार कोरोना के संक्रमित मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं और लगातार इनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग भी इसको लेकर पूरी तरह से कमर कस चुका है। हमारे साथ सिविल अस्पताल के CMO हैं डॉक्टर विनय गुप्ता, इनसे हम जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, पिछले 24 घंटे की बात करें, कितने और नए मामले सामने आए हैं? पिछले 24 घंटे में 11 नए मामले आए हैं। टोटल हमारे 63 मामले हो गए हैं, जिनमें 3 एडमिट हैं और 60 होम आइसोलेशन में हैं। सभी मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हैं और किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बात करें जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, डॉक्टर साहब क्या कारण मानते हैं इसका? इस समय पिछले साल भी मामले बढ़े थे तेज़ी से, इस बार भी मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को बार बार कह रहे हैं कि वो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, 2 गज की दूरी बनाएं, फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग करें और सैनिटाइज़र का उपयोग करें। इसके अलावा हम सभी को कह रहे हैं कि वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, जो प्रिकॉशन डोज लोगों की बची हुई है वो जल्द से जल्द सभी प्रिकॉशन डोज लगवाएं। अब तक 126% फर्स्ट डोज और 108% सेकेंड डोज हमारे ज़िले में लग चुकी है। हम प्रिकॉशन डोज के लिए लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और आप लोग भी सभी मोटिवेट कर रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशन डोज लगे और कम से कम मामले हमारे आए और आए भी तो वो सीरियस कैटेगरी के ना हों। डॉक्टर साहब, बात करें, लगातार लोग नियमों का पालन करते हुए नहीं दिखाई देते हैं, इसको लेकर क्या कोई सख्ती बरतने की ज़रूरत है? आपकी तरफ से कोई अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि लोग और ज़्यादा जागरूक हो सकें, क्योंकि छिपा तो ये मामला किसी से है नहीं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अब मामले बढ़ रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? लोगों को IEC की जा रही है, लोगों को समझाया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, जो कि लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं। जैसे जैसे केस बढ़ रहे हैं, लोग उसको फॉलो करेंगे। मीडिया भी अपनी तरफ से पूरा पॉजिटिव, पहले एक बार आपको याद हो तो 100 रुपये का चालान लोगों का किया गया था, स्वास्थ्य विभाग में भी वो चलाया गया था अभियान, क्या उस अभियान की ज़रूरत है अभी? अभी देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात की जा रही है, उन्होंने भी DC सर ने भी की अध्यक्षता में भी मीटिंग ली गई है और प्राइवेट अस्पतालों की सभी की मीटिंग ली गई है और उनको कहा गया है कि पूरी तरह से तैयार रहें और कोरोना के केसेस यदि आते हैं तो उनका लिए बेडों को रिजर्व कर उनकी पूरी तरह से तैयारियाँ करें, पूरी तरह से तैयारियां करें। और इसको लेकर जो जिले के DC हैं, उन्होंने तमाम जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनकी भी बैठक ली है और उनको साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो किसी तरह की भी कोताही कोरोना के मामले में ना बरतें। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया।